हिंदू धर्म में देखा जाता है घर को बनवाने से पहले लोग वास्तु का ध्यान रखते हैं। बाथरूम में भी कुछ वास्तु के नियम देखने को मिलते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं वह नियम। सनातन धर्म में स्नानागार अर्थात बाथरूम हर घरों में प्राप्त होता है और बाथरूम का भी एक पौराणिक और वास्तु के हिसाब से एक महत्व है। घर के बाथरूम में जो वास्तु होता है वो पूरे घर की दशा को बदल सकता है और घर की दशा को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यदि हमने बाथरूम में परिवर्तन कर लिया तो हमारे घर की बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। इसमें सबसे पहले हमारे बाथरूम में अगर आईना है, शीशा है, तो वो फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा कांच जो है वो अशुभता का कारण हो जाता है टूटा हुआ। और राहु केतु से जनित जितनी समस्याएं हैं वो सब घर में नकारात्मक ऊर्जाएं घर में आ जाती हैं। इसलिए घर में जो शीशा है बाथरूम के अंदर वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, घर की जो बाल्टी रहती है बाथरूम के अंदर उसे खाली नहीं होना चाहिए, वो हमेशा भरी हुई होना चाहिए और टूटी हुई भी नहीं होना चाहिए। जिस पात्र में पानी रखाता है वो पात्र पूरा होना चाहिए। फल भी अच्छी होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, बुरी दिखने वाली नहीं होना चाहिए, टूटी हुई नहीं होना चाहिए। इससे हमारे घर के रहन सहन में, हमारे घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए चप्पल भी अच्छी होना चाहिए।